दोस्तों, मैं प्रभा पांडे, प्रभास किचन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बिना चॉकलेट के बना हुआ चॉकलेट केक। ये बहुत ही अच्छा होता है, इसको आप आइसक्रीम के साथ भी खा सकती हैं। तो चले हम आपको इसको काट करके दिखाते हैं कि कितना सॉफ्ट बना हुआ है। तो ये लीजिए, देखिए, देख सकते हैं कितना बढ़िया और कितना सॉफ्ट बना है। जिस तरह से आप ब्राउनी के साथ आइसक्रीम खाते हैं, उसी तरह से आप इसके साथ भी आइसक्रीम खा सकते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है ये। ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा बना है। ये देखिए बहुत ही अच्छा केक बना है ये। ये लीजिए, हम आपको काट करके दिखाते हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया बना है, आप बनाइएगा, बच्चे बहुत पसंद से खाएंगे। ये लीजिए, हम तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। सबसे पहले हम एक केक टिन ले लेंगे और इस पे हम लगाएंगे बटर इस तरह से, और इसमें डालेंगे एक चम्मच मैदा और इसको अच्छे से कोट कर लेंगे। और ये जो मैदा बच गया है इसको हम निकाल देंगे। केक टिन हमारा तैयार हो गया है। अगर आपके पास ये केक टिन ना हो तो आप किसी डिब्बे में बना सकती हैं, गिलास में बना सकती हैं, किसी भी चीज में केक बना सकती हैं। केक सारी चीजों में बन जाता है। अब हम एक बाउल ले लेंगे और इस पे हमें रखेंगे एक छन्नी, और ये हमने लिया है एक कप मैदा। मैदे की जगह आप आटा भी ले सकती हैं। और ये हमने लिया है दो चम्मच, दो टेबल स्पून कोको पाउडर, और हमने लिया है एक टीस्पून बेकिंग पाउडर और आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। इसको डाल करके हमें अच्छे से छान लेना है सबको मिला के इस तरह से। ये अच्छे से हमने इसको मिला लिया है। अब इस बार चम्मच से और मिला देते हैं ताकि सारी चीजें अच्छे से मिल जाए। इसको अगर आप दो से तीन बार छान देंगी तो भी अच्छा हो जाता है, पूरी तरह से ये मिल जाता है। हमारा मैदा तैयार हो गया है। हमने एक दूसरा बाउल ले लिया है, इसमें हम डालेंगे ये दो चम्मच बटर। बटर हमारा रूम टेम्परेचर पर रहेगा, ना पिघला हुआ रहेगा और ना बहुत ज्यादा टाइट रहेगा कि हम फ्रिज से निकाल करके तुरंत नहीं बन पाएगा। तो ये, और ये हमने लिया है आधा कप पिसी हुई शक्कर, इसकी जगह आप आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं। अब हम ले लेंगे एक बीटर इस तरह से, और दोनों को हमें अच्छे से बीट करना है। तो ये देखिए ये अच्छे से बीट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे ये 1/3 कप मिल्क मेड। आज हम मिल्क मेड से बना रहे हैं, बहुत हमने सिरका से बनाया और बिना बेकिंग पाउडर, बिना बेकिंग सोडा का भी बनता है, बहुत सारी चीजों से लोग बनाते हैं। लेकिन जो एगलेस केक बनता है ओरिजिनल में, वो कंडेंस्ड मिल्क से ही बनता है। अब इसको हम फिर से दोनों को अच्छे से बीट कर लेंगे। जब तक हम इसको बीट कर रहे हैं, उससे पहले ही हम अपनी गैस पर कढ़ाई चढ़ा देते हैं। हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब इसमें हम ये रख देंगे एक स्टैंड और इसको ढक देंगे मीडियम आंच पर। इसको हम 10 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे, तब तक हम अपना केक का
बैटर बनाएंगे। अगर ओटीजी में बनाना है तो ओटीजी को भी हमें इसी तरह से 200 पर प्री हीट करने के लिए छोड़ दीजिए 10 मिनट के लिए। उसके बाद 160 पर आप 30 से 35 मिनट के लिए केक बेक करें। देखिए इसको हमने अच्छे से बीट कर लिया। इसका ये देखिए इस तरह से पहचान है, ये देखिए इस तरह से ये लिक्विड हो जाए तो समझ लीजिए कि हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने छान के रखा हुआ है इसको हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे इस तरह से, और थोड़ा सा दूध डालेंगे। दूध भी हमारा रूम टेम्परेचर पर रहेगा और इसको मिलाएंगे, और एक तरफ ही मिलाना है, दोनों तरफ नहीं मिलाना है, इस चीज का भी ध्यान रखना है, इसको मैं हमेशा बताती हूँ। अब इसमें हम फिर से डालेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा दूध डालेंगे, इसी तरह से मिलाएंगे। अब हम इसमें इसे पूरा डाल देंगे और ये दूध अभी हम पूरा नहीं डालेंगे क्योंकि हमें इसको देखना है ज्यादा गीला ना हो जाए। ये हम दूध पूरा डाल दे रहे हैं, ये पूरा एक गिलास दूध लगा है, ये छोटा सा गिलास है। इसको हम हाथ से मिला लेते हैं इस तरह से, ये हमारा केक का बैटर पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब हम एक केक टिन ले लेते हैं और इसमें डाल देते हैं। इसको हम हल्का सा इस तरह से टैप कर देंगे और बेक करने के लिए रख देंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, ये देखिए, अब इसको हम इसमें रख देंगे और इसको ढक देंगे। मीडियम आंच पर इसको हम कम से कम 35 से 40 मिनट पकने में लगेगा। हमारा केक तैयार हो रहा है, तब तक हम अपनी आइसिंग तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने लिया हुआ है 2 चम्मच बटर और इसमें हम डालेंगे ये 1/2 कप पानी। तो हमें अच्छे से खौलाना है, पानी हमारा खौलने लगा है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कॉफी पाउडर और इसको मिलाएंगे, और इसमें हम डाल रहे हैं ये 1/2 कप कोकोआ पाउडर। और गैस हमारी एकदम धीमी रहेगी इस समय, इसको हमें अच्छे से मिलाना है ताकि इसके लम्स जो खत्म हो जाए। इसमें हम डालेंगे ये 1 कप पिसी हुई शुगर, इसकी जगह आप आइसिंग शुगर भी डाल सकते हैं। और इसे हमें चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है बराबर, जब तक कि ये उबलने ना लगे। ये देखिए मेरी आइसिंग जो है उबलने लगी है। अब इसको हमें धीमी गैस पर ही 1 मिनट के लिए पकाना है। ये आइसिंग हमारी तैयार हो गई है, अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसको पकते हुए 30 मिनट हो गया है, अब इसको हम खोल करके देख लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया केक हमारा फूला है, एकदम फट गया है देखिए। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, तो ये एक टूथपिक ले लेंगे और इसको हम यहाँ डालेंगे, तो ये देखिए ये साफ एकदम निकल आया, इसका मतलब है केक हमारा तैयार हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको निकाल करके ठंडा करेंगे। उसके बाद हमारा हल्का सा ठंडा हो गया है, इतना ठंडा हो गया है कि हम इसको आराम से छू सकते हैं। अब हम एक चाकू ले लेंगे और चारों तरफ से इस तरह से कर लेंगे, और एक प्लेट ले लेंगे और इसको हम पलट लेंगे।
तो ये देखिए कितना बढ़िया और कितना सॉफ्ट केक हमारा बना है और कितना फूला है, ये देखिए, ये देखिए बहुत बहुत ही बढ़िया बना है, ये देखिए। अब इसको हमने इस तरह से सीधा कर दिया है। अब इस केक टिन से तो ये ढकते नहीं बनेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा फूल गया है ऊपर तक, इसलिए हमने एक बड़ा बाउल ले लिया है इस तरह से। अब इसको हम इस तरह से ढक देंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से ढक जाए। अब इसको हमें 2 से 3 घंटे तक ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसकी आइसिंग करेंगे। इसको रखे हुए 3 घंटा हो गया है, केक हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, ये देखिए। अब हम एक प्लेट ले लेंगे और इसके ऊपर हम ये केक रख लेंगे और ये जो ऊपर की लेयर है इसको हम चाकू से काट देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया केक हमारा फूला है, इसको हम हटा देंगे। अब ये जो हमने ग्लेस बना के रखा हुआ है इसको हम देखिए कितना सूखा हो गया, कितना पतला था, ये देखिए। अब इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो हम चारों तरफ से अच्छे से आइसिंग कर देंगे इस तरह से। आप इसको टर्न टेबल पे भी रख के कर सकती हैं। हमने इसलिए नहीं किया कि सबके पास टर्न टेबल नहीं होता है, इसलिए हम इसको ऐसे ही आइसिंग कर दे रहे हैं। इसको हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। इसको फ्रिज में रखे हुए 10 मिनट हो गया है। अब एक केक बेस ले लेंगे इस तरह से और ये जो हमारा केक है इसको हम ये चाकू ले लेंगे और इसको साइड से इस तरह से उठा लेंगे और ये रख देंगे। ये देखिए, तो ये देखिए केक हमारी अच्छे से आइसिंग हो गई है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे ये थोड़ा सा चॉकलेट जो कि हमने घिस के रखा हुआ है। अब इस पे हम थोड़ा सा ये सिल्वर बॉल्स डाल देंगे। आपके पास नहीं हो तो आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकती हैं इसके ऊपर। तो ये देखिए मेरा केक बनके तैयार हुआ है। ये बिना चॉकलेट का चॉकलेट केक बना है, ये बहुत सरल है, बहुत आसानी से बना है। आप बहुत आराम से घर में बना सकती हैं और बच्चों को खिला सकती हैं। तो चलें आप लोग बनाएं और एंजॉय करें इस केक के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। थैंक यू, गुड डे।